ये दो संगठनों ने जो संयुक्त मोर्चे के घटक है किसान सभा हरियाणा किसान सभा और किसान संघर्ष समिति हरियाणा पगड़ी संभाल जट्टा दो संगठनों की आज मीटिंग थी और शहीद आजम भगत सिंह के और राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर सरसा जिले के अंदर एक बड़ी कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसे राष्ट्रीय नेता हमारे सरसा में आएंगे 28 मार्च को पंजाब पैलेस जगह डिसाइड की और वहाँ एक बड़ी कन्वेंशन होगी और जो भगत सिंह के विचारों पर और जो मौजूदा हालात है जो मौजूदा किसानी आंदोलन चल रहा है उस पर चर्चा होगी इसको क्योंकि ताकि इस आंदोलन को हम और तीखा किया जा सके। आज आंदोलन पीक पर है, सरकार जो है लगातार जो किसानों की अनदेखी कर रही है इस आंदोलन को और तीखा कैसे किया जाए इस पर विचार विमर्श होगा जिसमें बुद्धिजीवी भाई जगरूप सिंह पंजाब से आएंगे, किसान नेता संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय किसान नेता कुलवंत सिंह संधु वो सरसा में आएंगे 28 तारीख को और एक बड़ी कन्वेंशन होगी जिसकी तैयारियों के लिए आज हमने ये मीटिंग की है। वो तैयारियां उस संयुक्त मोर्चे के जो आह्वान पर भारत बंद रहेगा, बारह सुबह से लेकर शाम तक बंद रहेगा, उसमें तो पहले हमने तैयारी कर रखी है। आप देखोगे बंद इतना बड़ा बंद होगा जैसे पहले भी 4 घंटे का बंद करते रहे, चक्का जाम किया, रेल रोकी, पर इस बार पूर्ण रूप से बंद है, दुकानें भी बंद करेंगे, रोड भी बंद करेंगे, उसकी तैयारी पहले कर रखी थी। और ये तो हमने जो भगत सिंह के शहादत दिवस पर कार्यक्रम के लिए मीटिंग बुलाई थी। जब देश में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, कुछ मौका प्रस्त जो MLA बनना चाहता है, कोई पार्षद बनना चाहता है, वो हर तरह के हथकंडे भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि आंदोलन को हम तितर बितर नहीं होना देना चाहते। वोट से समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा ये मानना है। देश में एक लोक लहर उसारनी पड़ेगी, जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग लड़े थे, आज सेम जो भगत सिंह ने शब्द कहे थे भी गोरे जाने के बाद अगर काला राज करेगा तो कि मेरे वर्ग को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आज भगत सिंह की जो बातें हैं वो सच होती नज़र आ रही है। देश में गोरा चलेगा और काले का राज है। आज देखो कितना तानाशाह है, जो हिटलर की नीति को फॉलो करता था मोदी, आज वो हिटलर की नीति के तहत ही ऐसी तानाशाही नीतियाँ अपना रहा है और ऐसे कानून लागू कर रहा है जैसे हम गुलाम देश में रह रहे हो। आज भगत सिंह के विचारों की ज़रूरत है, इसी संबंध में ये हमारा सेमिनार भी होगा। बाकी साथी प्रतपाल सिंह है जो किसान सभा के आगू बात रखें। जी सर, जैसा कि आपको अभी अभी बताया गया है कि 28 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 90वें शहादत दिवस पर भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता, आज का मौजूदा किसानी आंदोलन और इस कीर्ति लहर का भविष्य, ये है इस टॉपिक पर बात की जाएगी और पूरे सिरसा ज़िले में ये अपनी तरह का एक अलग तरह का एक सेमिनार होगा। विचारक भगत सिंह की वो महत्वपूर्ण बात है जो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, ये आज उसका मुख्य टॉपिक होगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सत्ता में कीर्ति वर्ग का क्या हिस्सा होगा और ये जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो प्रयत्नशील शक्तियां हैं उनकी एकजुटता आज हमारा मुख्य ध्येय है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है अपनी चरम सीमा पर है, जीत के बिल्कुल ये करीब है, जीता हुआ आंदोलन है। और इस जीत के मायने क्या हैं और हमारा अगला भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा हिंदुस्तान का, ये तय करने के लिए ये बड़ा सेमिनार है और ये एक शुरुआत है सिरसा ज़िले में अपनी तरह का, ये एक अनूठा जिसमें पूरे हमारे सेंटर के जो हैं बुद्धिजीवी वो प्रखर नेता हैं, विचारक हैं, वो हिस्सा लेंगे। हम जिला सिरसा के तमाम कर्मठ और सभी नौजवानों विद्यार्थियों को, सभी बुद्धिजीवियों को और सभी चिंतन करने वाले चिंतकों को ये आह्वान करते हैं और अपनी माताओं और बहनों को, विद्यार्थियों और नौजवानों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में इस होने जा रहे सेमिनार में जो पंजाब पैलेस में होगा 28 मार्च को दिन के 10 बजे से शुरू किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में इसमें पहुँचें। धन्यवाद। ये जो खट्टर सरकार है ये पूरी तरह बुखला गई है, इनका सामाजिक बहिष्कार लोग कर रहे हैं, इनको गाँवों में नहीं घुसने दे रहे,
इनको तो सबक लेना चाहिए था इस बात से कि हमारा विरोध जो है वो हरियाणा के लोग क्यों कर रहे हैं। उस बात से सबक लेने की बजाय जो है वो तानाशाही के ऊपर उतर करके निंदा प्रस्ताव पास करती है। किसके खिलाफ करती है? जनता के खिलाफ करती है कि जनता हमारा विरोध कर रही है। होना ये चाहिए था कि तीन काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास होता, पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करके जो है इन सारी बातों को लोग जो है वो समझ चुके हैं। और इस सरकार का बहिष्कार, इनके मंत्रियों का और जितने भी विधायक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे जेजेपी के हों, उन लोगों को गांवों के अंदर संपूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार जो है वो लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा 26 तारीख के बंद का जहां तक सवाल है, जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर हो रहा है, हरियाणा और सरसा की बात करें तो सरसा के अंदर बंद ऐतिहासिक रहेगा। इसकी पूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जितने भी शहर हैं, जितने कस्बे हैं, वो सारे बंद रहेंगे। इसके अलावा रेलों का और सड़कों का जो चक्का जाम है उसको करने का भी जो है वो संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है। पहले 4 घंटे का संकेतिक होता था, पूरे दिन जो है वो बंद रहेंगे।